सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। ऐसा क्यों भाग गया? क्या मैं चुड़ैल हूँ? अरे नहीं जी, मजाक कर रहा था मैं। तुम ऐसा सीरियस हो गए? नको करो ऐसे छड़े मजाक, न पसंद मेरे को ऐसे मजाक। अरे अच्छी बात नहीं करता भाई, जान लो। अब आपका प्यार ही खत्म हो गया, शादी से पहले कितना प्यार करते थे आप मेरे को। अरे वैसी बात नहीं है भाई। अच्छा एक काम करो, जरा मेरी आंखों में गौर से देखो और देख के बोलो कि आपको क्या दिख रहा। ना देखना है मेरे को। अरे देखो जी आपको क्या दिख रहा मालूम होता? देखो क्या दिख रहा आपको? सच्चा प्यार। असल से अंधी औरत, मेरी आंखों में कचरा गया, वो दिख रहा क्या पूछ रहा था? तुम इस देख लो तुम्हारे कचरे। हाँ औरत है बगैर। असल शराफत राज नहीं आ रही तुम्हारे को। अच्छा हाँ फिर मेरी शराफत देखे, बगैर देखे शादी करी मैं तुम्हारे को। मेरी शराफत देखे तुम्हारे को देख के भी इनकार नहीं करा मैं। तुम्हारे से बातचीत करना बेकार है। अच्छा सुनो, कहाँ है जी मोहतरमा? अरे गुस्से में आके अम्मा के घर को चले गए क्या? अरे गए तो अच्छा है, सुकून मिलता है। अरे भाई अब्बा क्या हुआ जी? अरे नहीं गए। कहाँ है तुम? मतलब कब से आवाज आती है और अंदर क्या कर रहे तुम? खिड़की बंद कर रही थी, जंग लग गई, बंदिश नहीं हो रहे। अरे कहीं को लगा रहे भाई, खुले रहना ना, ठंडी हवा आती। खिड़कियों को पर्दे तो भी लगा दो जरा, बाजुक नया पड़ोसी आया सो है, बार बार मेरे को घूरने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार उसको देख लेना तो गौर से, उसके बाद उन्हें खुद उसके खिड़कियों को पर्दा लगा लेता। क्या बोलना चाह रहे तुम? सुबह से देख रही हूँ ऑन्ड्रे और बात बात पे ताने दे रहे, क्या दिल नहीं लग रहा? और ये बात से क्या मतलब है तुम्हारा कि उन्हें मेरे को एक बार देखा तो फिर नहीं देखता बोल के? क्या खूबसूरत नहीं हूँ मैं? बला के खूबसूरत है तुम, हद से ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारे को जो एक बार देख लिया ना, जिंदगी सफल हो जाती है इसकी। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे को दुनिया में जीते जी हूर परी मिल गए बोल के। सही भी। हाँ अच्छा अब मेरी तारीफ में कितने के दिन हो गए, शेर नहीं सुनाए। थोड़ा दूर हटो, पहले पसीने छूट रहे मेरे। वो कहीं को हॉट है ना आप? आप भी ना, चलो शेर सुना। अर्ज किया है इशार, मेरे दिल में आपकी सूरत ऐसे बस गई है। वाह 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 वाह। मेरे दिल में आपकी सूरत ऐसे बस गई है जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई है। तारीफ करे बोलो तो ये करते, मैं क्या की तारीफ करते समझी ना। खैर छोड़ो ये सब, मैं अपने कपड़े डोनेट करना सोच रही हूँ। डोनेट क्या करते जी, फेंक दो। कई को फेंक दो? दुनिया में इतनी गरीबी है और इतने औरता भूखे और कपड़े भी नहीं है पहनने को, मेरे कपड़े तो भी पहनते। जिसको तुम्हारे कपड़े आते ना उतना भूखे नंगे नहीं रहते। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर परफेक्ट, तुम परफेक्ट है। सही भी। हाँ क्या है, आप इतने परफेक्ट है कि आपके कपड़े दूसरों को नहीं आते। अब जो क्या है, भूखे प्यासे रहते हैं ना, परफेक्ट नहीं रहते, इसके वास्ते बोल रहे समझे। हाँ आपकी बात तो सही है। अम्मा बस गया। मगर मैं फिर भी डोनेट करती हूँ, मेरे कपड़े मेरी मर्जी। तो कर लो, मैं कहीं को पूछ रहा फिर। या अल्लाह ये आदमी के ऑफिस है तो भी जल्दी खुलवा दो, खून जला दे रहे मेरे घर पे रह रहे के। नको जा रहा हूँ, रहो खुश। अल्लाह का शुक्र है, जरा जल्दी नको आओ घर को। तुम चुप, फोन आ कर करके ये लो वो लो बोल के दम नको करो। अब तक नहीं गए? जा रहा हूँ। जाओ जी प्लीज। क्या औरत है वो ये, शादम है भैया औरत से। अरे घर के बाहर जाओ 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 बोल के दम करती है, दुनिया की पहली बीवी की जो शौहर को बाहर जाओ जाओ बोल। और मामा कैसा है तू? जबरदस्त पट है, तू कैसा है? अपन भी एकदम जबरदस्त फिट है, और क्या बात है, चेहरे का रंग वंग खुल गया, एक अलग ही ग्लो आ गया अब आप तेरे चेहरे पे। भाभी जबरदस्त ख्याल रख रहे, ऐसा दिख रहा मेरे को। अब आप
तेरे भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते वाले, मैं एक सुकून हो गया रे भाई, हर चीज वक्त पे हो रही, वक्त पे उठ रहा हूँ, वक्त पे नाश्ता कर रहा हूँ, वक्त पे ऑफिस के काम आ जा रहे हैं, वक्त पे जो है सो कपड़े धुल जा रहे हैं, वक्त पे कपड़े इस्त्री होके आ जा रहे हैं, हर चीज वक्त के हिसाब से बराबर है, रात में भी बराबर 9:15 बजे सो जा रहा हूँ, सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त रह रही। देख बाप, बहुत खुशनसीब है बाप, तू बहुत खुशनसीब है बाप, तेरे को ऐसी बीवी मिली जो पूरा अकेला इतना काम कर रही। बाप नहीं, गलत समझ रहा तू, पूरे काम मैं करता हूँ। हाँ बेगम जो है सो हर काम का एक वक्त मुकर्रर कर दी और उस पर सख्ती से अमल करवा रहे मेरे से। अरे कहाँ फंस गया रे तू, इसलिए बोलते लव मैरिज या नहीं करना बोल के पागल। अरे भाई, अरे इन्हें कोई इतना परेशान हो रहा, मैं तो खुश हूँ, मैं खुश हूँ, हाँ मैं खुशी हूँ। हेलो हेलो, आ घर से निकलते कि फोन कर रहे तुम्हें, कहाँ याद आ रही का मेरी? हाउ जी, मिसिंग यू सो मच, आ जाओ ना प्लीज। ऐसा अब भी आ रहा हूँ। सुनो मजाक कर रही थी, दूध की पैकेट खत्म हो गई, जरा आते वक्त दूध लेके आओ। हाँ लाता हूँ, रखो। भाई तरह एक दूध की पैकेट दियो। हेलो, अजी पत्ती भी नहीं है, जरा आते वक्त पत्ती ले लेके आओ। और सुनो ये वो पत्तियां नक्को उठा लेके लाओ, जमजम है तो जमजम टीच ले लेके आओ, सुने नहीं तो नक्को लाओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, क्या जमजम टी दिया। और अरे अच्छा आते वक्त डेयरी मिल्क भी ले लेके आओ ना, मेरे को जरा खाना दिल बोल रहा था। एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया। अच्छा आप फराज भाई की दुकान में है क्या? हाँ हाँ, तो आते वक्त ना मोटा खारा ले लेके आओ, उनकी दुकान में बहुत अच्छा मिलता। उसके नहीं चूहे मारने की दवा भी अच्छी मिलती, लेके आऊँ खाते। अजीब ही चटनी है, देखे नहीं मैं क्या तो भी गलत बोली। अरे कितनी हौली हूँ मैं, मिर्ची नहीं है ना घर में। वो जरा मिर्ची भी खत्म हो गई थी, ले लेके आ जाओ। हाँ अरे एक बार नहीं बोल सकते थे तुम, बार बार क्या है फोन आकर के बोलने का? तुम्हारे को इतनी मिर्ची कहीं को लग रही, मिर्ची ले लेके आओ बोले तो। अरे रखो जी खामोश रखो तुम, मैं आ रहा हूँ। अरे मिर्ची की पैकेट कहते दिया। अरे अच्छा देखो लालिया पूरा। अच्छी बात है पी लेती हूँ, अच्छी बात है सो जाती हूँ। अरे अम्मी क्या हुआ? अच्छी बात है, खुदा हाफिज़। आ गए आप? ये बार बार चीज़ें याद दिलाने की गलीज आदत तुम्हारे को तुम्हारी अम्मा की पड़ी नहीं? और ये बार बार ताना मारने की आदत तुम्हारे को तुम्हारी अम्मा से पड़ी नहीं? ए, हमारे अम्मा तुम्हारे अम्मा से बहुत अच्छे है। हाँ, बहुत अच्छे है। वो तो मैं पहले ही बोला था, तुम समझे नहीं पागल। अरे क्या है वही औरत से। अजी हाँ? आप मेरे को पसंद करते हैं या आपकी अम्मी को? दोनों भी। किसको ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे को या अम्मी को? दोनों भी पसंद भाई। अच्छा अगर मैं चार मीनार जा रही हूँ और आपकी अम्मी गोलकुंडा किला देखने जा रही हैं तो आप कहाँ जाते? गोलकुंडा किला। मेरे को बोले तो मैं क्या है गोलकुंडा किले को अभी तक गौर से डिटेल में नहीं देखा, चार मार के पास से तो मैं रोज गुजरते रहता ना, इसके वास्ते। ठीक है अगर मैं गोलकुंडा किला जा रही हूँ और आपकी अम्मा चार मीनार को जा रहे तो आप किसके साथ जाते? चार मीनार को जाता। वो कहीं को मैं किला जा रही हूँ इसलिए? नहीं जी किला तो अभी देख लिया ना मैं, कहे चार मीनार के पास से मैं रोज गुजरता हूँ मगर उसको कभी डिटेल में नहीं देखा, इसके वास्ते चार मीनार को जाता। अच्छा सुनो जरा खाना निकालो जी, भूख लग रही है, अपने अम्मा के घर को जाके खा लो। सुने अरे नाराज हो गए और तुम्हारे भाभी अब मनाना पड़ता। अच्छा सुनो बेगम।